हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज, और जैसा कि आपको पता है जो फिटर थियरी का फुल कोर्स चल रहा है उसी के अंतर्गत हमारा लेथ का चैप्टर इस समय शुरू हो चुका है। ठीक है, पिछला लेक्चर हम लोग लेथ का कर चुके थे, तो उसमें हम लोगों ने फिटर जो लेथ के पार्ट्स होते हैं जैसे कैरिज हो गया, टेल स्टॉक हो गया, हेड स्टॉक हो गया, हाफ नट हो गया, ठीक है, इन सभी चेजीज डायल हो गया, तो इन सभी पार्ट्स के उपयोग देखे थे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पे उपयोग में लाए जाते हैं। तो पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वही लेथ का मुख्य एक तरह से पार्ट है, बेसिक है, कौन सा पार्ट कहाँ होता है, कैसे होता है, जो भी प्रश्न बनते हैं वो मैंने वहाँ पर कराया है। और अगर टोटल लेक्चर्स की बात करें तो ये है हमारा 21वां लेक्चर, यानी कि 20 लेक्चर हमारे इसके पहले हो चुके हैं और 8 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, जबकि लेथ का जो चैप्टर है ये 9वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर आप पुराने लेक्चर्स भी देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा फिटर थ्योरी फुल कोर्स 2020 इस नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप हमारा स्पेशल बनाया गया है फिटर टेक वालों के लिए, फिटर वालों के लिए फिटर टेक के नाम से। तो इस ग्रुप में क्विज ऑर्गेनाइज होता है, तो आप ग्रुप में जो है जुड़ के क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं निशुल्क। ठीक है, तो वहाँ से आपका क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि उससे क्विज में पार्टिसिपेट करने से टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्विज वीक में 3 दिन ही ऑर्गेनाइज होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का खराद मशीन। ठीक है, अब देखिए, जब कल ही मैंने आपको बताया था कि जो खराद यानी कि जो लेथ है इसको हम लोगों ने क्या बांटा है, 5 भागों में बांटा है, यानी कि हमारे प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उस आधार पर लेथ को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सा, पहला जो पार्ट है यह है लेथ पार्ट्स एंड इट्स वर्किंग। ठीक है, पहला पार्ट ये था जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ लेथ एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, यानी कि लेथ के प्रकार, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, लेथ के प्रकार एवं विशिष्टताएं। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। तीसरे नंबर पर क्या पढ़ना है, टूल्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मटेरियल यानी कि टूल्स का मटेरियल, एंगल्स यानी कि कोण। ठीक है, तरह तरह के एंगल होते हैं, आपको पता है रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तरह तरह के एंगल होते हैं तो एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तीसरे पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे। चौथे पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेथ एसेसरीज यानी कि लेथ सहायक युक्तियाँ। ठीक है, लेथ सहायक युक्तियाँ क्या है, यानी कि जो हम लोग लेथ पर काम करने के लिए अलग से इंस्टॉल करते हैं, जैसे हमारा चक हो गया, मैंड्रिल हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो एसेसरीज होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आप स्टेडी रेस्ट हो गया, फॉलोअर रेस्ट हो गया। ठीक है, सेंटर्स हो गए, तरह तरह के सेंटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गई लेथ एसेसरीज। और पांचवा जो था वो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल यानी कि लेथ से जुड़े कुछ छोटे मोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कंपटीशन में। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत ही छोटे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेंथी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल से। छोटे प्रश्न जो भी होते हैं फार्मूला बेस्ड, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आइए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेथ एंड इट्स स्पेसिफिकेशन। ठीक है, यानी कि लेथ के प्रकार और इसका स्पेसिफिकेशन। अब देखिए भैया, एक हमारी लेथ होती है इंजन लेथ, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर लेथ। अब देखिए, आप लोगों को सब लोग पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है कि सेंटर लेथ पर हम लोग कई ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कि थ्रेड कटिंग भी कर सकते हैं, टर्निंग भी कर सकते हैं, टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं, नर्लिंग भी कर सकते हैं, बोरिंग भी कर सकते हैं, ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन भी कर सकते हैं, फॉर्मिंग भी कर सकते हैं, तरह तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हमको लेथ अलग अलग क्यों चाहिए, सवाल आना चाहिए ना कि भैया एक ही लेथ से हम सब ऑपरेशन कर सकते हैं, तो हमको अलग अलग लेथ क्यों चाहिए। और इसका जवाब आपको खुद ही लास्ट में मिल जाएगा, लेक्चर के लास्ट में मिल जाएगा, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा क्यों, तो आपको समझ नहीं आएगा। लास्ट में लेक्चर के आपको खुद ही जो है इसका जवाब मिल जाएगा। तो पहली है, हेडिंग डालिए लेथ के प्रकार, पहली हमारी लिखिए स्पीड लेथ, यहाँ पे लिख लीजिए खराद के प्रकार। ठीक है,
और पहले लिखिए स्पीड लेथ। अब इसे स्पीड लेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके स्पिंडल की गति, ठीक है, इसके स्पिंडल की गति बहुत अधिक होती है, अधिक होती है। कितनी होती है प्रश्न ये बनता है, तो लगभग 3000 RPM तक होती है। अब अगला प्रश्न क्या बनता है कि भैया स्पीड लेथ हमने बना तो दिया, लेकिन इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो इसका उपयोग वुड टर्निंग, ठीक है, वुड टर्निंग, पॉलिशिंग और सेंटरिंग कार्यों में किया जाता है, ये प्रश्न है, ठीक है। जैसे वुड टर्निंग मतलब आप देखते हैं जो लकड़ी के अलग अलग तरीके के, देखिए पॉट बनते हैं गुलदस्ते वगैरह रखने के लिए, तो उसकी जब टर्निंग होती है, मुलायम बहुत लकड़ी होती है हमारी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पीड लेथ का उपयोग करते हैं। और हमको अगर कोई पॉलिशिंग करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिशिंग और सेंटरिंग के लिए भी स्पीड लेथ का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, बनते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे नंबर हमारी आ गई जो सबसे फेमस लेथ है, इसे हम लोग बोलते हैं इंजन लेथ या सेंटर लेथ, ठीक है। अब देखिए इसका नाम का भी एक रीज़न है, इंजन लेथ क्यों कहते हैं, क्योंकि जब पहले ये लेथ बनाई गई थी तो पहले ये भाप इंजन से चलाई जाती थी, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाने लगा, इंजन लेथ कहा जाने लगा। और बात करें सेंटर लेथ की, तो सेंटर लेथ इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जॉब्स को, आपको पता है हेड स्टॉक में एक हम लोग सेंटर पकड़ सकते हैं और टेल स्टॉक में एक सेंटर पकड़ सकते हैं, तो इसमें जॉब्स को दो सेंटर के बीच पकड़ते हैं, जो हेड स्टॉक में सेंटर लगा होता है, ये भी प्रश्न पूछता है, उसे क्या कहते हैं, लाइव सेंटर, और जो टेल स्टॉक में सेंटर लगा होता है उसे क्या कहते हैं, डेड सेंटर। तो जॉब को दो सेंटर के बीच पकड़ने के कारण भी इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सेंटर लेथ कहते हैं। अब इसका उपयोग आपको पता ही है, ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका यूज किस में होता है, कोई भी ऑपरेशन जो भी हमारे लगभग होते हैं, टर्निंग, टेपर टर्निंग, ठीक है, थ्रेड कटिंग, जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें स्पेसिफिकेशन भी पढ़ना है। थ्रेड कटिंग हो गया, नर्लिंग हो गया, ठीक है, नर्लिंग हो गया, इन सभी ऑपरेशन में इसका उपयोग जो है किया जाता है। तीसरा लिखिए, तीसरा जो हमारा लेथ है वो इम्पोर्टेंट लेथ है। तीसरा लेथ कौन सा है, बेंच लेथ। बेंच लेथ देखिए, अब ये क्या होता है, ये स्पीड लेथ का एक छोटा रूप होता है, ठीक है, ये स्पीड लेथ का छोटा रूप होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग कहाँ लगा सकते हैं, इसको हम लोग एक बेंच पर भी लगा सकते हैं। और इसका उपयोग क्यों होता है, शुद्धता या एक्यूरेसी, एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए। अब भैया शुद्धता और एक्यूरेसी की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी, तो आप इसका उपयोग में लिख लीजिए, यूज में लिख लीजिए, गेज बनाने में, गेज बनाने में, टूल बनाने में, ठीक है। अब गेज आपको पता है क्या है, हमारा एक इंस्पेक्सिव टूल है, यानी कि इसकी सहायता से हम लोग निरीक्षण करने का काम करते हैं। तो अगर हमको 10 mm की सॉफ्ट का निरीक्षण करना है तो हमारी जो गेज है वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेंच लेथ का उपयोग करते हैं। और आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि इसमें एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं, एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं लगभग, ठीक है, एक या दो, ठीक है, लेकिन आप एक ही मानिए कि बेंच लेथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे टर्निंग के लिए अगर ये बनाई गई है तो सिर्फ इसमें क्या होगा, टर्निंग ही होगा। अगर किसी और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई गई है तो इसमें सिर्फ वही पर्पज़ होगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला लिखिए,
टूल रूम लेथ। टूल रूम लेथ अगला जो हेडिंग है क्या है, टूल रूम लेथ। तो इन सब चीज़ों में कुछ खास नहीं है, लेकिन फिटर थ्योरी का फुल कोर्स ऐसे नाम नहीं दिया गया है, सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मैक्सिमम। मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ मैं छोड़ू ना, आपको सभी चीज़ें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो सभी चीज़ें मैं आपको करा दूँ। चौथा हेडिंग डालिए टूल रूम लेथ। अब टूल रूम आप कुछ नाम से ही इसके कुछ स्पष्ट हो रहा होगा, ठीक है। ये इंजन लेथ का एक छोटा रूप है। जैसे वो स्पीड लेथ हमारा, ओ बेंच लेथ हमारा किसका छोटा रूप था, स्पीड लेथ का, उसी तरीके से ये इंजन लेथ का छोटा रूप होता है। और जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत अधिक, ठीक है। तीसरा इसमें पॉइंट लिखिए, इसमें एक से अधिक ऑपरेशन, इसमें एक से अधिक ऑपरेशन कर सकते हैं। यूज लिखिए एक्यूरेट कंपोनेंट बनाने में, ठीक है। अब एक्यूरेट कंपोनेंट क्या होते हैं, तो जैसे लिखिए जिग हो गया, फिक्सचर हो गया, ठीक है। जिग फिक्सचर क्या है, एक्यूरेट कंपोनेंट है, ठीक है। जिग हो गया, फिक्सचर हो गया, टूल्स वगैरह बनाने में भी किया जाता है, जैसा इसका नाम से स्पष्ट है, टूल रूम लेथ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है टूल रूम लेथ से। अगला देखिए क्या है, टरेट एंड ए कैप्स्टन लेथ। एक में ही मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। टरेट एंड कैप्स्टन लेथ, ठीक है। अब देखिए टरेट एंड कैप्स्टन लेथ है क्या, ये जो हमारी इंजन लेथ है, जो सेंटर लेथ है, उसी का क्या है, एक मॉडिफाइड रूप है, यानी कि विस्तृत रूप है। अब आपको इनसे एक दो चीज़ें याद रखनी है कि इनका उपयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा हमको उत्पादन करना होता है, बहुत ही विस्तृत मात्रा में उत्पादन करना होता है, तो इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सिंपली इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जैसे जहाँ पे टेल स्टॉक होता है, ठीक है, जहाँ पे देखिए हमारा जब इंजन लेथ होते हैं तो उसमें एक तरफ हेड स्टॉक होता है, एक तरफ क्या होता है, एक तरफ टेल स्टॉक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी टरेट लेथ का मैं बता रहा हूँ, टरेट लेथ में क्या होता है, मान लीजिए इधर को हेड स्टॉक हो गया, ठीक है, सिंपली फिगर में बना रहा हूँ। इधर क्या होता है, इधर होता है छह मुखी टरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, छह मुखी टरेट, यानी कि छह मुंह वाला क्या लगा होता है, टरेट लगा होता है। अब उसमें क्या होता है, उसमें हम छह अलग अलग तरह के टूल पकड़ सकते हैं। जैसे एक में ड्रिलिंग पकड़ लिया, फिर अगले ड्रिलिंग के बाद हमको बोरिंग ऑपरेशन करना है तो उसके बाद हमने बोरिंग टूल पकड़ लिया, फिर रीमिंग करना है तो हमने रीमिंग टूल पकड़ लिया। इसी तरीके से छह टूल हम क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका फायदा ये होता है, भैया एक ही जॉब है तो एक ही ऑपरेशन से तो बन नहीं जाती है। मान लीजिए हमने यहाँ पे करी लगा के टर्निंग किया, अब हमको उसमें ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिलिंग वाला टूल सामने कर दिया और ड्रिलिंग कर लिया, बोरिंग वाला टूल सामने कर दिया और बोरिंग कर लिया, फिर रीमिंग वाला टूल सामने कर दिया और रीमिंग कर लिया। जबकि इंजन लेथ में ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या होता है, हमको बार बार टेल स्टॉक का जो जहाँ हम ड्रिल लगाते हैं उसको बार बार निकाल के फिर बोरिंग टूल लगाओ, फिर का रीमिंग टूल लगाओ, यानी कि रीमर लगाओ, तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, समय को बचा लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा टरेट लेथ।
और आपको इनसे एक दो बात याद रखनी है कि इनका उपयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। ठीक है, अब और भी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, डिफरेंस भी जो बता सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए जो टरेट लेथ होती है मैक्सिमम भारी कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, यानी कि टरेट और कैपस्टन में अगर आप मुख्य अंतर की बात करें तो टरेट जो लेथ है वो ज़्यादा भारी कार्यों के लिए अपेक्षाकृत, और जबकि जो कैपस्टन लेथ है वो अपेक्षाकृत कम भारी कार्यों के लिए। दूसरी बात यह है कि टरेट लेथ क्या होती है, ज़्यादा ऑटोमेटिक होती है, यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गतियाँ क्या होती हैं, स्वतः होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। जबकि कैपस्टन लेथ में हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि वहाँ पे हम मैन्युअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, लेकिन टरेट लेथ क्या होता है, ऑटोमेटिक ही होता है। जबकि कैपस्टन लेथ में क्या होता है कि हम कर सकते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार हम उसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो मुख्यतः जो है यही अंतर होते हैं। अब आइए देखते हैं, छठवां जो है वो है ऑटोमेटिक लेथ। ठीक है, ऑटोमेटिक लेथ क्या होती हैं, जो हमारी सीएनसी पे वर्क करती हैं, सीएनसी पे वर्क करती हैं, यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। ठीक है, सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, और इनके अंदर क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती है। तो इंडिया में ये अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं है, जब हम लोग की ट्रेनिंग हो रही थी तो हम लोगों ने एक मशीन देखा था, यानी कि लेथ नहीं थी वो, एक बड़ी मशीन थी, हैवी मशीन थी। तो वो और जो इस मशीन की प्राइस होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, तो लगभग 4 करोड़ की वो मशीन थी, यानी कि जो एक सेटअप था, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन तब भी वो 4 करोड़ की मशीन थी, जो कि कहाँ से आई थी, स्पेन से। ठीक है, तो इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, प्रोग्राम करना पड़ता है, जो भी अगर हमको ऑपरेशन करना है वो हमको क्या करनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक अलग से प्रोग्रामर होता है। ठीक है, सातवें नंबर पे देखिए, सातवें नंबर पे क्या होता है, स्पेशल पर्पज लेथ। ठीक है, स्पेशल, और आपको कहीं भी अगर मौका मिले किसी भी इंडस्ट्री में जाने का तो इंडस्ट्री में जाइए ज़रूर। इंडस्ट्री में अगर आप घूमना चाहें तो आप वहाँ पे ट्रेनिंग का वो ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग की ट्रेनिंग हुई थी तो हम लोगों ने लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये दिया था 1 महीने की ट्रेनिंग का। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री में जा सकते थे, घूम सकते थे, पास बनता है 2-2.5 हज़ार रुपये में। तो वहाँ पे जहाँ हम लोग गए थे बहुत ही बड़ी बड़ी हैवी मशीनें, बहुत कुछ देखने को मिला। तो अगर आपको भी कभी मौका मिले तो ये सब मौका मिस मत करिए। ठीक है, कहीं भी आपको 100, 200, 500 का, 1000 रुपये का ऐसे कंपनियां जो है पास बनाती हैं अगर विजिटर्स के लिए, तो आप जाके पास बनवा के कंपनी को 10 दिन 15 दिन का उनका टाइम होता है, तो आप उन सभी चीज़ों को इंडस्ट्री में जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये मैं बात बता रहा हूँ कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो यार, चाहे सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे अभी आईटीआई में पढ़ रहे हो, कोई भी लक्ष्य हो, लेकिन अगर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हो, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हो, तो एक बार आपको विजिट जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल देख लेते हो ना, तो फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने लेथ देख लिया तो मुझे फिर याद करने की ज़रूरत नहीं कि चेंजिंग डायल किधर होता है। प्रश्न आपसे पूछता है कि लेथ में चेंजिंग जो डायल होता है, जैसे कि मैंने कल बताया था, वो एप्रन के किधर होता है, बाएँ साइड, दाएँ साइड, ऊपर, नीचे। तो आप गए, अगर एक सब सभी चीज़ों को आपने कायदे से देख लिया तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अगर मौका मिले तो ज़रूर जाइए। अब देखिए ये क्या है, स्पेशल पर्पज़ लेथ है। स्पेशल पर्पज़ लेथ में क्या होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, फेसिंग लेथ। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, रिलीविंग लेथ, कोपिंग लेथ। ठीक है, और हमारा क्या हो गया, क्रैंक शाफ्ट लेथ, यानी कि कोई स्पेशल काम हमको करना है। जैसे फेसिंग, कोई हमारे पास ऐसी प्लेट है खूब मतलब चौड़ी, जिसके हमको बहुत ज़्यादा पार्ट बनाने हैं, हमको क्या करनी पड़ेगी, इसकी फेसिंग करनी पड़ेगी। तो हमने इसके लिए एक लेथ ही डिजाइन कर लिया कि जो क्या काम करेगी, बस इस प्लेट को फेसिंग करने का काम करेगी। इसी तरीके से हमको क्या बनाना है, क्रैंक शाफ्ट बनाना है। आपको पता है क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन हमारी होती है, यानी कि जो पश्चाग्र गति होती है इंजन की, उसको रोटरी मोशन में बदलती है। ठीक है, जो रोटरी मोशन का ही हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे गाड़ी है आपकी, मोटर व्हीकल है, आप लोगों ने देखा होगा, तो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है वो कैसे चलता है, वो भैया आगे पीछे चलता है ना, रेसिप्रोकेटिंग करता है ना। लेकिन पहिया हमारा कैसे घूमता है,
गोल गोल घूमता है ना, तो उसमें क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट का ही काम होता है जो रेसिप्रोकेटिंग यानी कि जो पश्चाग्र गति है उसको रोटरी मोशन में बदलने का काम करता है। तो इसी तरीके से जो बड़े बड़े इंजन होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उसमें क्रैंकशाफ्ट को डिजाइन करने के लिए एक स्पेशल लेथ ही बना लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कोई अगर हमको स्पेशल काम करना है तो उसके लिए हम एक लेथ ही डिजाइन कर लेते हैं जो हमारी क्या कहलाती है, स्पेशल पर्पज लेथ कहलाती है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं लेथ स्पेसिफिकेशन, लेथ यानी कि अब स्पेसिफिकेशन क्या है। तो मैंने जब, और जिन लोगों ने मेरे फिटनेस के पुराने लेक्चर्स लिए होंगे तो अभी तो मैंने नहीं बताया, लेकिन जब जैसे अभी मैं दूसरे चैनल पे पढ़ा रहा था जब, तो वहाँ पे भी फिटर का पूरा कोर्स मैंने कराया हुआ है। ठीक है, तो देखिए स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई चीज़ मार्केट में लेने जाते हैं तो किस आधार पर हम उसे मार्केट में लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए हम टीवी लेने जाते हैं ना, तो टीवी ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, भैया हमको इतने इंच का टीवी दे दो, 24 इंच का, 55 इंच का, 105 इंच का, इस तरीके का हम लोग कहते हैं ना। तो ये क्या है, यही उसका स्पेसिफिकेशन है, यानी कि जो 105 इंच है यानी कि किस आधार पर हम उसको वर्गीकृत कर रहे हैं। जैसे आप मोबाइल, मोबाइल अगर आप लेने जाएं तो आप क्या करते हैं, भैया हमको 4 GB रैम चाहिए, 64 GB स्टोरेज चाहिए, 128 GB स्टोरेज चाहिए ना। तो जो आप ये 128 GB स्टोरेज, 64 4 GB रैम, 6 GB रैम, ठीक है, ये जो बता रहे हैं यही क्या है, यही उसका स्पेसिफिकेशन है, यही उसकी विशिष्टताएं हैं। इसी तरीके से जब हम लेथ भी मार्केट में लेने जाएंगे तो हम कहेंगे भैया हमको ये वाला लेथ दे दो, इसमें स्पिंडल स्पीड इतना होना चाहिए, इतना बड़ा कार्य हम करना चाहते हैं इस पे तो इसकी जो रेंज है वो होनी चाहिए, मोटर की पावर ये होनी चाहिए। तो यही क्या हो गया, यही हो गया इसका स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो आपसे पूछता है कि लेथ को किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, यानी कि विशिष्टताएं, ठीक है, तो एक सिंपल सा फिगर बनाइए छोटा सा बहुत जल्दी। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी एक ड्रा कर दे रहा हूँ बस। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या है, ये है लेथ। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ये है हमारा हेड स्टॉक और ये हमारा क्या है, टेल स्टॉक। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो देखिए आइए किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। तो पहला क्या हो गया भैया, पहला हो गया हमारा लेथ सेंटर्स के बीच दूरी। ठीक है, अब हम दुकान पर लेने जाएंगे तो भैया हम कहेंगे ना, भैया उतना ही बड़ा तो बेड बनाना पड़ेगा जितनी हमको लेथ सेंटर्स की, जो लेथ सेंटर के बीच जितनी दूरी चाहिए, और जितनी दूरी होगी उतनी ही लंबाई का हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लिखिए, लिखते जाइए, पहला क्या हो गया, सेंटर्स के बीच दूरी। यहाँ पे ए लिख लीजिए, ठीक है, सेंटर्स के बीच दूरी को हम ए से दिखा रहे हैं। फिगर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाए, जल्दी भूलेंगे। दूसरा क्या हो गया, लेथ सेंटर की ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, यानी कि लेथ बेड से लेथ सेंटर की जो ऊंचाई है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, लेथ सेंटर की ऊंचाई। ठीक है, इसको आप बी से डोनेट कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह और भी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होता है, स्विंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम एक बना लें यहाँ पे, ये इसको आप डोनेट करिए सी से, इसको लिखिए स्विंग ओवर कैरिएज। ठीक है,
जिसे कैरिज भी बोलते हैं। स्विंग क्या है? तो स्विंग क्या वो चीज़ है, यानी कि द टर्म स्विंग डिनोट्स दैट मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द वर्क विच कैन बी सर्कुलेटेड इन द लेथ, यानी कि जॉब का वह मैक्सिमम डायामीटर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लेथ पर पकड़कर घुमा सकते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, वही कहलाता है स्विंग। स्विंग समझ गए, यानी कि जितने अधिक डायामीटर का हम लोग जॉब पकड़कर क्या कर सकते हैं, इस लेथ पर घुमा सकते हैं, किसी भी लेथ पर घुमा सकते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका कहलाता है स्विंग। ठीक है, चौथा स्पेसिफिकेशन देखिए। चौथा जो है वो है विड्थ ऑफ बेड। ठीक है, विड्थ ऑफ बेड यानी कि जो बेड है उसकी चौड़ाई कितनी है। पांचवा लिखिए, सेंटर मॉर्स टेपर नंबर। ठीक है, जो आपको पता है जो टेपर हो दिया जाता है वो किसमें होता है, नंबर में होता है। तो उस जो सेंटर लगा हुआ है, जो उसमें आपको पता है लेथ सेंटर में कैसा टेपर होता है, मॉर्स टेपर होता है, तो उसका नंबर क्या है। ठीक है, छठवां लिखिए, फेस प्लेट डायामीटर। फेस प्लेट डायामीटर यानी कि अगर फेस प्लेट लेता है तो उसका जो डायामीटर है वो कितना है। सातवां लिखिए, स्पिंडल स्पीड। ठीक है, यानी कि आप यहां पर लिख लीजिए नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड। ठीक है, नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड से क्या मतलब है कि भैया अगर गियर लेते हैं तो उसमें गियर अरेंजमेंट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से गतियों का क्या होता है, नंबर होता है। एक लिमिट है ना, ऐसा तो है नहीं जैसे आपको एक लिमिट है 200 पे चला सकते हैं, 200 RPM पे, 400 RPM पे, 600 RPM पे, 2000 RPM पे, यानी कि उस गियर को जब घुमा के सेट कर देंगे तो इतने RPM पर लेथ चलेगी। तो आप कितनी उस पर ऑपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि कितनी तरह की गतियाँ आप प्राप्त करना चाहते हैं स्पिंडल पर, उसके हिसाब से स्पेसिफाइड किया जाता है। अगला जो है वो क्या है, रेंज ऑफ स्पिंडल स्पीड। रेंज ऑफ स्पिंडल स्पीड, ठीक है, ये भी आपके जॉब पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी रेंज चाहिए, यानी कि 500 से 1000 RPM के बीच चाहिए, 1000 से 2000 RPM के बीच चाहिए, 2000 से 3000 RPM के बीच चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। नौवां क्या हो गया, लीड स्क्रू डायामीटर। लीड स्क्रू डायामीटर एंड TPI। ठीक है, यानी कि लीड स्क्रू का डायामीटर कितना होना चाहिए और इस उसमें कितने थ्रेड पर इंच होने चाहिए। जैसे अगर आप बहुत भारी काम करना है तो आपको 2 थ्रेड पर इंच आप रखेंगे, मध्यम कार्य करना है तो आपको 4 से 6 थ्रेड रखेंगे पर इंच, और अगर बहुत हल्के काम करने हैं तो 6 से 8 थ्रेड पर इंच आप रखते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से भी लेथ को स्पेसिफाइड किया जाता है। और लास्ट में लिखिए, दसवां लिखिए, क्या है, मोटर पावर। ठीक है, मोटर पावर यानी कि कितने हॉर्स पावर की मोटर आप लेथ में चाहते हैं। तो देखिए, ऐसे मेरा बताने का मतलब ये था कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपसे प्रश्न पूछता है कि लेथ को किस आधार पर स्पेसिफाइड किया जाता है। तो लेथ को 10 आधार पर स्पेसिफाइड किया जाता है। जो ऑप्शन आपको इसमें से दे वो आपको ऑप्शन सही करना है। ठीक है, तो ये था हमारा लेथ का स्पेसिफिकेशन। अब देखिए, इतना स्लो, इतना धीरे और इतनी चीज़ें डिटेल में पढ़ाने का मतलब यही है कि भैया अभी चल रहा है कोरोना, अभी टाइम है एग्ज़ाम में, अभी आराम से ध्यान से पढ़ लीजिए, जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो फिर आज आप मेरा लेक्चर देखने, अगर मैं भी जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा तो आज आप मेरा लेक्चर देखेंगे, कल दूसरे का लेक्चर देखेंगे, परसों तीसरे का लेक्चर देखेंगे, लेकिन कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी हमारी तरफ से कोशिश चल रही है और भी चीज़ों को बेहतर करने की। जैसा कि पता है मैं दूसरे चैनल पर पढ़ाता था, लेकिन वहाँ पे कुछ इश्यूज़ थे, तो पेमेंट इश्यूज़ थे उनकी तरफ से, तो वहाँ पे वो चैनल मैंने जो है स्किप किया और फिर अपना चैनल स्टार्ट किया। तो अभी चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन सभी चीज़ें आपको यहाँ पर वेल मेंटेन्ड बहुत ही जल्दी हो जाएंगी।
तो चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अब देखिए जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे टूल्स और टूल एंगल के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा अगला जो पार्ट है लेट का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगला लेक्चर आप मिस मत करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेथ टूल एंड लेथ एंगल्स के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।